जैसे कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था नेम ऑफ द लैंड, आज उसके आगे हम पढ़ते हैं फाइंडिंग और अवॉर्ड द पास्ट। फाइंडिंग और अवॉर्ड द पास्ट यानी अतीत के बारे में मैं कैसे जान हम कैसे जाने या कैसे जाने कि अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही आप ये इससे पहले आप देखेंगे क्रॉस ए पाम लिव द मैन्युस्क्रिप्ट जो आपके इस पेज में दिखा रहा है कि स्क्रिप्ट के बारे में यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्स जो एसेंट टुगेदर में टू सी ए वर्ड वीर्स वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट टर्न ऑन द पेज 49 वर्ड्स पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को हम यहाँ देख सकते हैं जो इस छाल पर बना हुआ है, जो ये एक विशेष प्रकार के पेड़ का छाल पे लिखा जाता था और इसी लिखावट से और उसे इतिहास के द्वारा उसके समझ करके और बैंड करके रखा जाता। अब फाइंड अबाउट द पास्ट, अब अतीत के बारे में कैसे जाने, तो अतीत के बारे में विभिन्न तरह की जानकारी हम ले प्राप्त कर सकते हैं, कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, दैट्स और पढ़ना, यानी सर्च अप एंड रीड द बुक्स, बुक को खोजकर और उसका पढ़ना या समझना। ये पुस्तकें अतीत में लिखी गई ही रहती है, लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। वो पुस्तक जो बहुत पहले लिखा गया है उसे हम पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द से बना हुआ है, जो कह रहा है यहाँ पे राइटिंग बाय हैंड दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनु मीनिंग हैंड, जो ये हाथ से लिखा गया था उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। शब्द लैटिन शब्द मेनु जिसका अर्थ होता है जिसका हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोज पत्र पर लिखी जाती थी। अब इसके आगे कहता है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां सेवरल द टेम्पल्स द मैन स्टील को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं जो प्रायः ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य कविताएँ इंस्क्रिप्शन कविताएँ ऑर्डिनरी द पीपल एट द तमिल इन द लैंग्वेज विभिन्न भाषाओं में विषयों को मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य कविताएँ नाटक भी इनमें भी कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अनप्राकृत तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का अध्ययन अथवा वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन दीज आर राइटिंग ऑन द रिलेटिवली अध्ययन कर सकते हैं ऐसे लिखे पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर से उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्य के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे जो पत्थरों पर अधिक खुदाई कर फॉर द एग्जाम्पल किंग ऑफिन कैप्ट रिकॉर्ड टू द विक्ट्रीज इन द बैटल, अपनी जीत के बारे में उस शिलालेखों पर पत्थरों पर मोटी मोटी अक्षरों में और खुदवा कर लिखा करते थे। इसके अतिरिक्त कहता है कि देयर वेयर मेनी अदर थिंग्स, इसके अतिरिक्त
कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और यानी जिसको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में पुरातत्वविद कार कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों की अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कई वस्तुएं पत्थर काफी तरह की खुदाई इनमें कई वस्तुएं पत्थर पक्की मिट्टी तथा धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट हो जाने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानकारों के अनुसार लौटते हैं इनमें से इसे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो ये जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब है कि कहते हैं कि क्या पुरातत्व इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। कहता है कि डू यू थिंक द क्लोथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, यानी क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। यहाँ कहता है हिस्टोरियन दैट इज द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ल्ड सोर्स टू द रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन एंड द आर्कियोलॉजी वन सोर्स और द फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम ए एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बीट बाय बीट सो द हिस्टोरियन एंड द आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक द डिटेक्टिव्स हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड अबाउट द पास्ट। यानी पूरा पांडुलिपियों अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब है कि वन पास्ट और मेनी, यानी अतीत एक या अनेक, अतीत एक है या बहुत अधिक है या बहुत सारा है, ये जानना तो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहते हैं कि डिड यू नोटिस द लिटिल ऑफ दिस बुक, क्या आपने इस पुस्तक के शीर्ष में हमारे अतीत पर ध्यान दिया है, आवर पास्ट, हमारे अतीत के बारे में आपने कभी कोई चीज पर ध्यान दिया है, आपने फोकस किया है। कोई पूछेगा हमसे तो ऐसे बोलेंगे कि यहाँ देखेंगे हम कि वी हैव यूज्ड टू द वर्ड पास्ट, हम यहाँ पर अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में करते हैं, इन द प्लुरल टू ड्रॉ द अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज द डिफरेंट, यानी किया गया है बहुवचन के रूप में किया गया है ऐसे इस तथ्य पर की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत की अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ द हर्डर और फार्मर्स वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स एंड द क्वींस, द लीव्स और द मर्चेंट्स वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट्स पर्संस एंड शो ऑन। यानी कहते हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य तरह की जो रवदार उदाहरण हैं पशुपालक के अलग अलग मायने, उदाहरण के लिए पशुपालक तथा कृषकों का जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद
अतीत में भी विद्यमान थे, जो आज हम लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोग जी रहे हैं, ये चीज पहले भी हुआ करता था। जो लोग बहुत सारा फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इन सभी चीजों को फूड फॉर द सप्लाईज द फूड डिफरेंट सच एज द एक्सटेंडेड टू द पास्ट वेल, यानी जो अतीत में होता था ये चीज हम लोग आज भी करते हैं, आज भी जानते हैं। अब कहता है बिसाइड्स देयर इज द अनदर काइंड ऑफ द डिफरेंस, यानी इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भी भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों में, जैसे पीपल सच एज द हंटर्स, फिशिंग, फॉल गैदर्स, फार्मर्स और द हर्डर्स डिड नॉट कीप द रिकॉर्ड विदाउट द डीड, ये पशु जो है अपना प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रख पाते थे, नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि इन्हें भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब लास्ट पॉइंट है इसमें कि व्हाट डू डेट्स मीन, यानी तिथियों का मतलब, तिथियों का मतलब क्या होता है। इफ समबडी आस्क यू टू डेट्स, यू विल द प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड द ईयर 2000 एंड द समथिंग, कहता है कि अगर कोई आपसे तिथि के विषय में पूछे तो आप क्या कहेंगे, शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या उससे तरह की कोई भी वर्ष बताएंगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक जो फाउंडर था, एसेंड द बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, सो 2000 मीन 2000 इयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट आर द काउंटेड बैकवर्ड्स एंड दे यूजुअली हैव द लेटर्स बीसी, बीसी फॉर फुल फॉर्म, बिफोर क्रिस्ट एडेड ऑन। इन दिस बुक वी विल रेफर टू द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कहता है कि इसका मतलब कि उससे पहले कि जब ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा पूर्व कहलाता है से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं, यानी इस बुक में यह बताया गया है कि 2000 जो जीसस मैरी का डेट ऑफ बर्थ से पहले मनाया जाता है, इसे हम ईसा पूर्व के रूप में मनाते हैं, जो 2000 आवर द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी यह हमारा क्या है तो आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। अब हम इसके साथ आगे में इस पेज में हम एक और चीज पढ़ेंगे कि लेटर्स विद द डेट्स। आप कहते हैं कि इतिहास और तिथियां, इसमें विभिन्न कुछ कुछ शब्द हैं जो बहुत ही माननीय हैं। अब क्या है कि ये देखिए कि बहुत ये हमारे लिए बहुत जानकारी प्राप्त करना जरूरी है, इनफैक्ट इसलिए कि इसके बारे में बहुत ऐसे हैं हम लोग हैं कि चैप्टर पढ़ लिए और बस हो गया, हमारी पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो हमारे डेट्स दिए हुए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास के लिए, जैसा कि इसमें आपको बताया गया है, कहते हैं बीसी वी हैव सीन स्टैंड फॉर द बिफोर क्रिस्ट, यानी बीसी द शॉर्ट नेम एंड द फुल फॉर्म वी हैव द सीन, हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका फुल नेम दिया हुआ है बिफोर क्रिस्ट। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, का तात्पर्य होता है बिफोर क्रिस्ट यानी ईसा पूर्व होता है, ईसा पूर्व माने बहुत पहले। You will sometimes find the AD before dates. अब AD का मतलब क्या होता है? AD before dates. This stand for the two Latin words. यह जो शब्द बना है before शब्द का, कभी कभी आप तिथियों से पहले AD देखते हैं, लिखा पाते होंगे, जब कभी आप किताब पढ़ते होंगे ईसवी के बारे में जानते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि BC, AD या CE या BCE इस तरह की वर्ड देखते हैं। तो आपने कभी उस पर, बहुत ऐसे भी बच्चे हैं कि सोचते भी हैं और बहुत ऐसे बच्चे हैं कि नहीं भी सोचते हैं, तो आज हम आप सभी को बताते हैं कि इसका क्या मतलब है। समटाइम्स AD बिफोर द डेट्स दिस स्टैंड फॉर टू द लैटिन वर्ड्स, इसका है
कहता है कि आप इसे बहुत हिंदी में लिखे पाते हैं, यह एनो डोमिन नामक दो लैटिन शब्दों से बना हुआ है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, यानी ईसा मसीह का जो जन्म जो पिछले अभी पेज में हमने पढ़ा है, जस्ट उसी के लड़के उसके जन्म से पहले से ये चीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कभी कभी अब कहते हैं कि इन शब्दों वर्ष से कभी कभी एडी यानी समटाइम्स सीई यूज द इंस्टेड ऑफ द एडी, अब कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। जैसे इंस्टेड द बीसी द लेटर सी स्टैंड फॉर द कॉमन एरा, इसका मतलब हिंदी माने फुल फॉर्म होता है कॉमन कॉमन एरा, तथा बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में भी इन तिथियों को कभी कभी इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी, आप देखिए कहता है कि इन शब्दों में एंड द समटाइम्स द लेटर्स बीपी मीनिंग द बिफोर प्रेजेंट आर यूज, यानी इसका मतलब होता है कि कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी क्या अर्थ होगा बिफोर प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान से पहले, यानी जिस युग में अभी हम हैं इससे कुछ पहले की बात है जो हम लोग जानते हैं। अब कहता है कि नीचे द एल्सवेयर, इसमें और कुछ आपको बताया जा रहा है कि अन्य तरह कुछ ऐसे भी चीज है कि आपको इसमें एक सिंबॉल के द्वारा बताया जा रहा है जो बहुत ही तार्किक है, आप इसे समझ सकते हैं, आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। मैं इसका केवल मीनिंग समझा देता हूँ और मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि चैप्टर को जरूर रीडिंग दे और समझे, जैसा कि मैं इसका हिंदी बताने जा रहा हूँ और वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूँ, इसे आप देखेंगे। देखिए इस सिंबॉल का मीनिंग क्या होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, इनमें कई तरह के कई सौ वर्ष मेनी ऑफ दिस इंस्क्रिप्ट द सेवरल यानी वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, तो इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। प्रकार से जैसे इस प्रकार से इसमें कुछ दिया हुआ है, दिस कैन बी डन थ्रू द प्रोसेस नॉन एज द, जो नीचे जो ये सिंबॉल दिया हुआ है, इस सिंबॉल से इस प्रकार से ज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है जो सिंबल के द्वारा बताता है। लगभग 5,000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। यानी इन शब्दों में आप देखेंगे कि ये बताया जा रहा है कि राजा रानी इन चीजों को देखते थे, समझते थे और जानते थे। जैसे कि मिस्र के उत्तरी तट पर रेशेटा नामक एक कस्बा है, यहाँ से एक ऐसे उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी एवं मिस्री लिपि के दो प्रकारों में है। यानी यहाँ पे देखेंगे आप कि ग्रीक एंड टू फॉर्म ऑफ द इक्वेशन स्कॉलर हु कोड द रीड द ग्रीक फिगर्स दैट द नेम ऑफ द किंग्स, यानी कहता है कि राजाओं तथा रानी ये इन विद्वानों के द्वारा पाया गया, मान विद्वानों ने इन विभिन्न भाषाओं को यूनानी और मिस्र में देखा। कुछ ऐसे भाषाएं विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वान ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल में उनके आसपास, अगल बगल माने आसपास में रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ एक अक्षर है, कौन सा अक्षर, तो अक्षर दिया गया है इन अक्षर में के लिए शेर, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेर का उत्कीर्ण किया हुआ है जो एल शब्द से दिया अक्षर से इंडिकेट किया गया है, और कैपिटल
के लिए चिड़िया के लिए चित्र बने हुए हैं, और चिड़िया के लिए ए चित्र बना हुआ जो ए शब्द है, और यहाँ पे चिड़िया दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेर के एल दिया हुआ है और चिड़िया के लिए ए शब्द का इंडिकेशन किया गया है। एक बार जब इन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से इन भाषाओं को हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इनके बारे में, पिछले के बारे में, अध्यायों के बारे में, पूर्व के बारे में, बीसी के बारे में, एडी के बारे में, बीसीई के बारे में, सीई के बारे में और बीपी के बारे में, इन सभी के बारे में हम जान सकते हैं कि कुछ वर्ष बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है, एडी का फुल फॉर्म क्या होता है। इन शब्द को जानकर और ज्यादा से ज्यादा समझने की प्रयास करेंगे। और किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम समझने में हो तो आप कमेंट के द्वारा इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं इसका निदान करूंगा। आज ये चैप्टर, पहला चैप्टर आपका खत्म हुआ। धन्यवाद।